अरे भैया, अजय देवगन को हो क्या गया है? वो है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जी हाँ, अभी उनकी फिल्म शैतान का ट्रेलर आया था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। भाई मुझे तो वो बहुत ही अच्छा लगा, और वो ट्रेलर कहीं ना कहीं बाकी सभी फिल्मों से हटकर था। और इस बात की गारंटी है कि आपने बॉलीवुड में तो इस टॉपिक पर कोई भी मूवी या फिर कोई भी ट्रेलर मूवी कुछ नहीं देखा होगा। जी हाँ, और अब इस बार एक और नए ट्रेलर के साथ अजय देवगन वापस आ चुके हैं। जी हाँ, अजय देवगन अब फिल्म मैदान के साथ वापस आए हैं। जी हाँ, फिल्म मैदान का ट्रेलर इस समय रिलीज हो चुका है। तो चलिए ट्रेलर की बात करते हैं। आप ट्रेलर को देखेंगे तो यकीनन आपके दिमाग में शाहरुख खान की चक दे इंडिया जरूर आएगी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो सीधा वही हिट करी थी। तो आप देखेंगे ना तो आपको भी पक्का चक दे इंडिया ही याद आने वाली है। ये फिल्म भी कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसे कि देखा जाए तो जैसे पुराने जमाने में कोई एक खेल हुआ करता था जिसे लेकर हमारे देश को पहचान मिलती थी या फिर उस स्टेट को पहचान मिलती थी, तो ऐसा ही कुछ इस ट्रेलर में दिखाया गया है। जी हाँ, ये कहानी उस टाइम की है जिस टाइम पर 1952 से 1962 के बीच पर फुटबॉल को गोल्डन ईरा माना जाता था। इस फिल्म में अजय देवगन पूर्व फुटबॉलर और कोच सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ आपको प्रिया मणि भी देखने को मिलेगी, जो कि जवान में पहले काम कर चुकी हैं। जी हाँ, मतलब कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ये ट्रेलर काफी शानदार है। आयुष्मान खुराना की बधाई हो, और अर्जुन कपूर की तेवर जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले अमित शर्मा ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, और ये फिल्म वाकई काफी शानदार है। और अगर आप कहीं ना कहीं फुटबॉल लवर हैं तो आप इस कहानी को जरूर पसंद करेंगे। कोच अब्दुल सैयद रहीम की इस भूमिका में अजय देवगन बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग से लेकर उनका जो कॉस्ट्यूम है वो काफी बेहतरीन है, जो हमें उसी टाइम की ईरा में लेकर जाता है। और ये बात तो यकीन के साथ कही जा सकती है कि फिल्म के साथ अजय देवगन ने पूरा ही इंसाफ किया है। अब तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा कि लोगों को ये फिल्म कितना कनेक्ट कर पाती है। लेकिन इसमें गौर फरमाने वाली बात एक और है कि ये फिल्म इस साल ईद पर रिलीज होगी। जी हाँ, इस समय देखा जाए तो बोला जाता है कि शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान अपनी ईदी लेने ईद पर अपनी फिल्में रिलीज करते हैं, लेकिन इस बार अजय देवगन अपनी फिल्म मैदान ईद पर लेकर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि दर्शक इस फिल्म को कितना प्यार देते हैं। ये ट्रेलर कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।